अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेसिपीज़ किचन विद सादिया। आज मैं आपको शाही पनीर बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो हमारे घर के ही सामान से आसानी से बन जाएगा। जो सामान हमारे पास घर में अवेलेबल होता है, हमें इसके लिए कोई काजू पेस्ट की, कोई काजू की ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होगी और बाहर की क्रीम की भी ज़रूरत नहीं होगी। घर की ही मलाई से हम घर में क्रीम बना के वही इसमें यूज़ करेंगे। इसको ग्राइंड करके हम मलाई को थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में ले आएंगे और फिर लास्ट में इसको उसमें हम मिक्स कर देंगे। तो चलिए, हम इसके लिए हमें ज़रूरत होगी, ये 250 ग्राम पनीर है, ये 5-6 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज ही की ग्रेवी बनती है। ये मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज काट ली है, मोटी मोटी। मैंने टमाटर भी मोटे मोटे काटे हैं, प्याज भी, क्योंकि ये थोड़ा सा हम इसको पहले फ्राई करेंगे बिल्कुल थोड़े से ऑयल में और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसलिए आप इसको मोटा मोटा काट सकते हैं, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जर्दे का रंग, ये 1 चम्मच चीनी और नमक। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम बिल्कुल कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल कम ऑयल डालेंगे, बस यही इतना ऑयल डालेंगे। और इसी में हम टमाटर और प्याज को नरम कर लेंगे थोड़ा, बिल्कुल हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा नरम करना है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। चलिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है हल्का, अभी इसमें प्याज ऐड करते हैं। थोड़ी प्याज नरम हो जाएगी उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। देखिए, प्याज हमारी थोड़ी नरम हो चुकी है, 2 मिनट मैंने इसको नरम कर लिया, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ हम सब मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल बाहर के ही शाही पनीर के जैसा आता है और इसमें कोई शाही पनीर का मसाला नहीं ऐड होगा, कुछ नहीं ऐड होगा, घर के मसाले से ही बिल्कुल बाहर के जैसा टेस्ट आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जो ऑरेंज कलर आता है वो जर्दे के रंग की वजह से ही आता है, तो इसलिए हमने इसमें जर्दे का रंग भी ऐड किया है ताकि अभी इसको हम पीसेंगे तो उसके बाद इसका लाइट ऑरेंज कलर का कलर आ जाएगा, जो बिल्कुल बाहर के शाही पनीर के जैसा होता है। थोड़ा सा इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे। 5 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए, इसको हमने 5 मिनट भून लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जब पानी भी थोड़ा बॉयल होने लगेगा तो उसको हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद इसको हम पीसेंगे।
देखिए ये पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए अब हम ये पहले मलाई को हम पीस लेते हैं, उसके बाद हम अपना वो ग्रेवी पीसेंगे शाही पनीर की। देखिए ये हमने हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा इसमें पीसते टाइम दूध भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐड किया है, क्योंकि ये थोड़ी थिक हो रही थी मलाई, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है। लेकिन आप लोग मतलब मेरा ज़्यादा क्रीम पतली हो गई है, आप लोग दूध थोड़ा कम ही डालिएगा। हम ग्रेवी पीसते हैं। थोड़ी थोड़ी हम ऐड करके इसमें पीसते रहेंगे। देखिए इसकी हमने पेस्ट बना लिया है। अभी हम बाकी का जो बचा हुआ है वो भी सारा हम पीस के फिर हम इसको दोबारा से थोड़ा सा तेल डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए ये हमने पूरा सब पीस लिया है, ये रेडी है। अब हम थोड़ा कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको भुनाई करेंगे इसकी। इसमें ऑयल बहुत कम डलता है, थोड़ा ही ऑयल डालेंगे, क्योंकि क्रीम भी डलती है ना इसमें, तो क्रीम भी थोड़ा अपना ऑयल छोड़ती है। थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे। और मैं एक चीज़ और बताना भूल गई थी आपको, इसमें हम कसूरी मेथी भी डालेंगे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। कसूरी मेथी भी हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए अब हम अपनी ग्रेवी इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपको ये जैसे पीसते टाइम थोड़ा थिक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा दूध ऐड करके भी पीस सकते हैं, उससे कलर भी अच्छा आता है और दूध से फ्लेवर भी अच्छा आता है। जैसे ये बाउल में जो लगा हुआ था थोड़ा लगा रह गया था, ये इसमें मैंने दूध ऐड किया है और इसमें मैं मिला दूँ इसको। क्योंकि आप चाहे इसमें दूध ऐड करें चाहे पानी ऐड करें, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेस्ट बनाने के बाद ये जब हम इसको बनाई करते हैं ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। इसलिए बनाई करते टाइम ही इसमें थोड़ा सा पानी या दूध जो भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट पर उसके। देखिए ये कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा क्रश करके हाथ से और हम फिर इसमें ऐड कर देंगे। कुछ लोग इसका पेस्ट बनाने के बाद इसको भुनाई करने से पहले थोड़ा छानते भी हैं छन्नी में, ताकि बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बने। मैं भी छान के बना, कभी कभी मैं भी छान के बनाती हूँ, लेकिन आज मैं छान के नहीं बना रही। बिना छाने भी सही बन जाता है, और छान के बनाएंगे तो और अच्छा बनता है, बिल्कुल स्मूथ बाहर की जैसा बिल्कुल पेस्ट बनता है। चलिए थोड़ी देर इसकी भुनाई करते हैं, उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। देखिए इसकी भुनाई हो चुकी है, अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर डालने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे 5 मिनट, और फिर गैस की फ्लेम को बंद करके हम इसको सर्व करेंगे।
पहले इसको 5 मिनट पकने देते हैं, उसके बाद हम इसको सर्व करके दिखाएंगे आपको। चलिए अब ये हमारा रेडी हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब हम इसको सर्व करेंगे। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। चलो ये सारा मेरा। ऊपर से हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। देखिए ये हमारा शाही पनीर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।